दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मोंटिवॉक अल्ची टेबलेट के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए मोंटिवॉक अल्ची टेबलेट ये एक ब्रांड नेम है वोकार्ड कंपनी का, वोकार्ड कंपनी बनाती है दोस्तों। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लगभग आसानी से हर दवाई की दुकान पर मिल जाती है, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव ब्रांड भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। बात करें भाई कहाँ यूज़ की जाती है, तो दोस्तों ये जुखाम की प्रॉब्लम में, खांसी की प्रॉब्लम में ये यूज़ की जाती है। अगर व्यक्ति को जुखाम है, बहुत ज़्यादा छिक्की आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद है, नाक के अंदर कफ जम गया है, तो वहाँ की जाती है। गले में खरखर है, गले में कफ आता है, बार बार में सूखी खांसी आती है, गीली खांसी है, कफ बहुत ज़्यादा जम गया है, छाती के अंदर जकड़न रहती है, छाती के अंदर सीटी सी बसती है, वहाँ पर भी काम आती है, खांसी प्रॉब्लम भी आराम मिलता है। दोस्तों अस्थमा की प्रॉब्लम भी दी जाती है, कई बार एलर्जी हो जाती है जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम लगने लगता है, तो वहाँ पर भी दी जाती है, एंटी एलर्जिक टेबलेट ये आती है। इनके अलावा कई सारी एलर्जियों में और भी काम करती है, जैसे कि आँखों से पानी आ रहा है, कान से पानी आ रहा है, कान में कोई इन्फेक्शन है, वहाँ डॉक्टर दे सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम में भी डॉक्टर देते हैं, खुजली चलना, स्किन इन्फेक्शन में भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं। ये सेल्फ यूज़ नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट, पहला है लियोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम, दूसरा है मोंटिलुकास्ट 10 मिलीग्राम। दोस्तों लियोसेट्रिजिन एंटी हिस्टामिन सोल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कारण बनता है कई सारी एलर्जियों का। मोंटिलुकास्ट लियोकोट्रिनेस नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कारण बनता है कफ का, अस्थमा का और खांसी का। तो इस तरीके से मिलकर ये काम करती है। डोज की बात करें, रात को एक टेबलेट ली जाती है खाना खाने के बाद। कुछ प्रॉब्लम में ये सुबह शाम भी हो सकती है, तो डोज अलग अलग हो सकती है। बात करें साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट थोड़ी बहुत हो सकते हैं, जैसे कि कब्ज रहना, पेट में दर्द होना, सर दर्द होना, नींद आने में दिक्कत होना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। बात करें सावधानी, तो सावधानी बस ये है कि सेल्फ यूज नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेना है। अगर कोई महिला को कोई दिक्कत है, अगर लेना चाहती है तो ले सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, सेल्फ यूज नहीं करना है उस महिला को। तो दोस्तों ऐसा संपूर्ण रिव्यू वीडियो के साथ आपको अमलोग हो सकता है, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।